हेलो दोस्तों, मैं हूं मुराद समीर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुराद समीर। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, और वो है पासपोर्ट में जो फ़ीस की कमी कर दी गई है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, और ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें वो आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो एंड तक देख लेना ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट फ़ीस में कमी कर दी है, जिसका इतला 17 फरवरी से शुरू हो गया है। वजारत दाखिला की जनब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 साल मुदत की पासपोर्ट की अर्जेंट फ़ीस 7,500, जबकि 10 साल मुदत की पासपोर्ट की आम फ़ीस 4,500 रुपये होगी। इसके साथ 5 साल के पासपोर्ट की आम फ़ीस 3,000 और अर्जेंट फ़ीस 5,000 मुकर्रर कर दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छी अमल है जो उसने वफाकी हुकूमत ने किया हुआ है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 फरवरी से पहले जमा किए गए फ़ीस में इजाफी रकम नाकाबिले वापस होगी, जबकि 17 फरवरी को भी दरख्वास्त देने वालों पर नई फ़ीस लागू होगी। नोटिफिकेशन जिस तरह मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 फरवरी से पहले जिन लोगों ने पासपोर्ट की फ़ीस जमा की हुई है वो सेम ही होगी, जिस तरह पुराने फ़ीस थे उसी तरह होगी। लेकिन 17 फरवरी और 17 फरवरी के बाद जो लोग जमा करेंगे वो नए फ़ीस होंगे। 17 फरवरी और 17 फरवरी के बाद जो लोग फ़ीस जमा करेंगे वो सेम प्राइस, नए प्राइस होगी, जिस तरह के सब मैंने बताया 7,500 और 4,500, ये नए होगा, यही है। तो यही थी हमारी वीडियो, तो यही थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी, हमने आप लोगों के साथ शेयर की। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।